नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एमपी में मोहन सरकार ने ग्वालियर से अहमदाबाद सफर करने वालों को बड़ी राहत दी है। लोग अब ग्वालियर से अहमदाबाद का सफर केवल 1.5 घंटे में पूरा कर सकेंगे। सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को मुरैना में जन आभार यात्रा की। यहां सीएम रोजगार दिवस समारोह में शामिल भी हुए। सीएम के मुरैना दौरे की सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने यहां चंबल संभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें ग्वालियर अहमदाबाद के लिए अकासा एयरलाइंस के फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाई। अब ग्वालियर से अहमदाबाद का हवाई सफर 1.5 घंटे में पूरा कर सकेंगे। ग्वालियर से काफी संख्या में कपड़ा और डायमंड के व्यवसायी अहमदाबाद के लिए जाते हैं। अभी उनको ट्रेन से पहुंचने में एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, प्रद्युम्न तोमर जी और समस्त मंचस्थ अतिथिगण, मैं एक के बाद एक जो लगातार हमारे अपने खासकर ग्वालियर का जो एक नया सूर्य आदित्य का उदय हुआ है, जिसके कारण से ये सब क्षेत्रों में जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने बेंगलोर की फ्लाइट जोड़ी थी, अब ये अहमदाबाद से संबंध आया। मुझे मालूम है कि अहमदाबाद और गुजरात का एक विशेष संबंध माननीय सिंधिया जी से भी है और हम लोगों से भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रदेश है, माननीय HM साहब का प्रदेश है और माननीय सिंधिया जी का भी वो विशेष रिश्ता बड़ौदा से उनका है, वो एक और रिश्ता उनका अपना है। और हम सब जानते हैं कि 5000 साल पहले भी गुजरात में जाने के बाद ही भगवान कृष्ण से श्री कृष्ण बने थे, क्योंकि द्वारकाधीश हुए थे। तो गुजरात से हमारा संबंध अतीत के काल से जुड़ा हुआ है। हम सब गौरवान्वित होते हैं, हम गौरवान्वित होते हैं इस नाते से भी कि अहमदाबाद का एक और नाम कर्णावती भी है, इसलिए ये महाभारत कालीन कर्ण को भी स्मरण कराती है। और ग्वालियर तो कला, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, अलग अलग प्रकार से ग्वालियर का बहुत सुदीर्घ अपना गौरवशाली पृष्ठ है और उस नाते से ये हमारे लिए सभी प्रकार के पर्यटन को, संस्कृति को बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। तानसेन संगीत समारोह से लेकर कई अवसरों पर यहाँ जब हमको लगता है कि गुजरात में ये महत्व, ग्वालियर में महत्व बढ़ना चाहिए, तो ये सुविधाओं के साथ बड़े पैमाने पर अहमदाबाद में व्यापार की दृष्टि से भी अब यहाँ चंबल के बेल्ट के लोगों को आने जाने की सुविधा की जरूरत पड़ती है। बहुत बड़े पैमाने पर गुजरात का और मध्य प्रदेश का संबंध बनाने में ग्वालियर एक तरह से ये हमारा अपना एक मुख्य दरवाजे का रूप रखेगा और जिसके माध्यम से सबकी एंट्री होगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर एक निवेदन करते हुए कि लगभग वैसे तो हमने कोशिश की है कि पर्यटन के क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट माननीय सिंधिया जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। वर्तमान में हमारी 26 हवाई पट्टियाँ हैं, 4 निजी और 22 राज्य अधीन है, लेकिन हमने कोशिश की कि हर संभाग केंद्र के बाद जिला केंद्र तक हमारी इस दिशा में कनेक्टिविटी बढ़े। सीएम का ये कार्यक्रम वर्चुअली था, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। मंत्री सिंधिया इसे विकसित भारत की तस्वीर बता रहे हैं। अकासा एयरलाइंस की ये फ्लाइट दोपहर 12:45 में ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेगी। ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए दोपहर 1:20 में ग्वालियर एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी और अहमदाबाद दोपहर 2:50 पर पहुंचेगी। द खबरदार न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।